महाराज जी ने बताया कि यह जीवात्मा शरीर के अंदर रहने पर जीव शरीर छोड़कर लिंग सूक्ष्म कारण आदि अन्य शरीरों में जाने पर जीव और अंदर के मानसरोवर में स्नान करने पर हंस रूप हो जाती है, फिर प्रभु में समा कर उन्हीं के तद्रूप हो जाती है। जाहे विधि राखे गुरु वाहे विधि रहिए, छाड़िए ना हिम्मत बिसरिए ना प्रभु नाम। भजन सेवा नहीं कर पाते हो लेकिन अगर समर्पण भाव गुरु के लिए है, जरूरत पड़ने पर अपने तन मन धन को लगाने वाले शिष्य की भी गुरु संभाल कर लेते हैं। सदगुरु को जीवों के पूरे कर्म साफ करने पड़ते हैं, सत्संग जल से सदगुरु जीवों की सफाई करते हैं, सत्संग और संतों का मिलना जरूरी है। कि नहीं भजन कर पाते हो, नहीं सेवा कर पाते हो, लेकिन समर्पण भाव अगर है गुरु के लिए हमेशा नहीं कर पाते हो, लेकिन जब जरूरत पड़े तब आप अपने तन को लगा दो, धन को लगा दो, मन को लगा दो, ऐसे शिष्य की भी गुरु संभाल कर लेते हैं, ऐसे के कर्मों को भी काट देते हैं। जो जान में करता है उसको तो भोगना पड़ता है, जो अनजान में कर डालता है उसके कर्मों को भी काट देते हैं। लेकिन मुक्ति और मोक्ष के लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए कर्मों को प्रेमियों काटना ही पड़ता है या कटवाना ही पड़ता है। ऐसा ऐसा भी इतिहास मिल रहा है कि सौ सौ जन्म के कर्मों को एक घंटे के सपने में महात्माओं ने काट दिया।